और किसी को चाहिए? तो log 7 प्लस log 5 तो 7 इंटू 5 हो जाएगा, समझाई? ये चीज समझ में आई बात? बोलो। यस सर। थर्ड अगर अब m पे कुछ पावर हो, सपोज अल्फा में ऐसे पावर कर दो, तो जिस नंबर का लॉग फाइंड कर रहे हैं उस पे पावर है, तो वो लॉग साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और बाकी सब सेम ही रहता है, बाकी सब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई दुख नहीं ना? नो नहीं। सर, नो सर। आगे बढ़ते हैं। अगर बेस पे कुछ पावर हो, ए पे, इधर मैं बेस पे कुछ पी कर देता हूँ पावर, और इधर एम ही है, तो बेस का जो पावर होता है वो इधर आके डिवाइड हो जाता है। कहीं समझ में नहीं आई तो तुरंत रोकना मुझे कि सर यहाँ पे नहीं समझा, इधर कोई प्रॉब्लम है, ऐसे बोल देना। ठीक है, तो बेस पे पावर हो तो वो डिवाइड हो जाता है, नंबर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। कितनी अच्छी बात है। एक और बात, लॉग एम बेस ए डिवाइडेड बाय लॉग एन बेस ए, ये इक्वल्स टू, अगर डिवीजन हो रहा है और दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस ए ए है, तो फिर तो लॉग एम बेस एन हो जाएगा। ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि ऊपर वाला आप लोग कभी ना कभी देखे होते हो, नॉर्मल सी बात है, ये वाला कई बार कम दिखता है, तो ये वाला समझना जरूरी है। मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे एग्जांपल से बताता हूँ, लॉग 7 बेस 5 है मल्टीप्लाइड बाय लॉग 7 बेस 2 है, ध्यान से देखना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं लॉग 7 बेस 5 को लॉग 7 बेस 2 डिवाइडेड बाय लॉग 5 बेस 2 लिख सकता हूँ। बेस अपनी मर्जी से मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ये जरूरत के हिसाब से जो बेस चाहिए वो बेस ले लिया। आ रहा है समझ में? कहिए। यस सर। इधर 5 होता इंटू लॉग 5 बेस 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता, क्या आ जाता? लॉग 7 बेस 2। सपोज इधर 2 नहीं होता, इधर होता कुछ और होता, 12 होता, तो यहां भी मैं 12 कर देता, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी 12 कर देता। सही यार, इधर भी 12 कर देता, फिर लॉग 7 बेस 12 आ जाता। समझा? अभी बोलो। यस सर। हाँ, बोलते रह कर। और एक और मैं आपको बताता हूं कि 1 का लॉग 0 होता है, बेस कुछ भी रखो 1 का लॉग 0 होता है, क्योंकि आप ही सोचो ना, अल्फा पे क्या पावर रखो कि 1 आ जाए, 0। और 0 का अगर लॉग निकालने बोला जाए आपको, 0 का लॉग क्या होगा, तो वो नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि मैंने लॉग के आगे आपको जब भी ये मैंने पढ़ाया था लॉग एन बेस ए, तब ये बताया होगा कि एन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ए भी पॉजिटिव होता है, और ए तो 1 के इक्वल भी नहीं होता, ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा ही एक और मैं बताता हूँ, लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू 1 बाय लॉग ए बेस बी, उल्टा हो जाता है, ये भी याद रखो आप, इम्पोर्टेंट है ये वाला और ये वाला, तो आप स्पेशली याद रखो, क्योंकि ये भूल जाते हैं कई बार। तो लॉग बी बेस ए इज 1 बाय लॉग ए बेस बी, ये भी नहीं भूलना है आपको। इसके बाद एक लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अब ये कौन है, महादेव अब तो अलाउ करो, बता मैं क्या करूं ऐसे लोगों का, कौन है ये लोग, निकाल दूं इसे? ठीक है, हाँ। इसके बाद ए रेज टू लॉग बी बेस सी, इसे ध्यान से देख, ए रेज टू है, ओके, लॉग लिखना भी पता होना चाहिए। देख लॉग कैसे लिखते हैं, लॉग के आगे एन लिखते हैं, बेस को थोड़ा नीचे लिखते हैं, तो यहां भी ए रेज टू पावर पे लॉग है, अब लॉग बी बेस सी, तो इसकी अच्छी बात ये होती है, यहां ध्यान से देखना क्या हो रहा है,
कि b एंड a को आप इंटरचेंज कर सकते हो, log के आगे जो b था उस b को आपने नीचे लिख दिया raise to log a base c हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, अगर 2 raise to log 5 base 2 है equals to, अब अच्छी बात ये है कि ये 5 एंड इस 2 को आप इंटरचेंज कर सकते हो, तो ये 5 raise to log 2 base 2 हो जाएगा, होगा ना? बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नहीं ना? और सेम नंबर पे बेस वही नंबर अगर हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो log 2 base 2 क्या 1 होता है, तो 5 raise to 1 5 ही हो जाएगा। समझा भी? बोलो। यस सर। ये सारे रूल्स अब चलो कॉपी कर लो, यहां से स्टार्ट करो। जैसे हो जाए तुरंत बताओ कि सर हो गया, हो गया? बोलो किसी का बाकी नीचे ले सकते हो क्या? बाकी नहीं यार, कैसे लेंगे उसके लिए, ये ले। अब ठीक है, जल्दी कर। हो गया? थोड़ा नीचे ले सकते हैं क्या? ये ले, ये एंड हो गया, इधर खत्म। ऊपर हो गया था ना सबका, बाकी तो नहीं किसी का, तो बोलो जल्दी। दो मिनट थोड़ा ऊपर करो। ऊपर करूं? यस सर, दो मिनट। ये ले, अब हुआ? हो गया सर। क्या पूरा दिल लोगे क्या? इसको भी जल्दी करो जिसका बाकी है। हो गया सर। चलो अब इस पे बेस्ड हम लोग मस्त मस्त एग्जांपल करते हैं, मजेदार मजेदार। अच्छे से ट्राई करना तो ही सीखोगे। पहला log, अरे यार log 75/16 base 2, 2 log 5/9 base 2 plus log 32/243 base 2, इसका वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ।
रानू मंडल, मोंडल था वो, मंडल कैसे बन के आ रहे हैं? क्या मिलता है, कहा मिलता है आखिरकार? हो गया, आया किसी का आंसर? नहीं सर, दो मिनट सर, वन है आंसर। ओके, आपका आंसर वन आया, देखते हैं सर। जीरो। और किसी का? जीरो एक आंसर आया। ओके, और कुछ? नहीं सर, वन है सर। जीरो या फिर वन? कैसे करेंगे देखो, लॉग ये जो टू है होल्स बेस टू प्लस लॉग 32 बाय 243 बेस टू। अब सेम बेस है, क्योंकि बेस सेम है तो वो जो लॉग एम माइनस लॉग एन के साथ किया था कि वो डिवाइड हो जाता है, वो तो कर सकता हूं मैं। 5 स्क्वायर इज 25, 9 स्क्वायर इज 81 बेस टू, फिर प्लस ये है तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 32 by 243। कोई प्रॉब्लम किसी को, जल्दी बोलो। नो सर, नो सर। अरे नहीं ना, तो पढ़ा लोगों का रिवीजन है तुम लोगों का, 81 by 25 into 32 by 243। कोई है जो सी ये सब पढ़ा ही नहीं है? कोई है ऐसा? ये सारे रिवीजन वाले ही हो? कोई है कोई नया है क्या? अरे सब पूरा नहीं हो क्या? मैक्सिमम। तो लॉग टू बेस टू आ गया, इक्वल क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। अभी समझा ये? एक और कर डालो। चलो लॉग 17 बेस 8 by log 23 base 9 minus log 17 base 2 root 2 by log 6 base 3। अच्छा, छापना बाकी था, ये लीजिए छापिए आराम से। लिख लिया? जीरो। अच्छा जीरो, ठीक है। और कोई?
सर जीरो। अरे डराओ मत यार, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। हाँ सही है जीरो। 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, इधर 17। 9 को 3 स्क्वायर, इधर 23। 2 रूट 2 को 2 रेस टू 3 बाय 2 लिख सकते हैं। 17 base 2, 23 base 3, फिर ये 2 इधर आएगा, 2 by 3 log 17 base 2 by log 23 base 3 minus 2 by 3 log 17 base 2 by log 23 base 3। अब कुछ दोनों सेम ही दिख रहा है ना, तो सेम नंबर माइनस सेम नंबर जीरो आएगा। चलो कॉपी कर लो। लिख लिया? यस सर। सीरियसली यार, सीरियसली मतलब क्या बोलूं मैं। अब ज्यादा हो रहा है ये, अब ज्यादा कर रहा है, जो भी कर रहा है अब ज्यादा कर रहा है। तो उसको लेके एक बार आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। क्या पता तो चले, ऐसे किसी को बोल नहीं सकते ना यार, है कौन पता तो चले। ये मतलब यहाँ इससे पहले तक मैं भी हंस रहा था, एंजॉय कर रहा था, चलो। बट अभी ये ज्यादा हो रहा है, अभी ये थोड़ा ज्यादा कर रहा है, इस लेवल तक नहीं आना चाहिए, थोड़ा लिमिट रखो यार, जो भी हो ठीक है, करो मस्ती करना है तो, बट एक लेवल तक, मतलब बदतमीजी मत करो। शेयर स्क्रीन स्टॉप हो गया, बदतमीजी करना चालू कर देते हैं लोग, जो भी है करो यार, अभी तक ठीक था, अभी तक चल रहा था तुम्हारा, पढ़ना है नहीं पता है मुझे, नहीं पढ़ना है ठीक है अपना, तुम इनोवेशन दिखाओ ठीक है, अच्छे आदमी हो तुम, थोड़ा बढ़िया है, बट एक लिमिट में, एक लिमिट तक मैं भी बर्दाश्त करूंगा, नहीं तो ये लेक्चर ही बंद कर दूंगा, मेरा क्या जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो भी अगर तुम लोगों को पता है कौन सा बंदा है उसे समझाओ कि हाँ भाई कर मस्ती, ठीक है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक लिमिट में। क्या कर रहा है ये, मूड ऑफ हो जाता है फिर, मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है फिर। प्लस लॉग 1 माइनस 1 बाय 3 बेस ए, उसे बोल कि बेटा तू अभी नया नया नाम जाना है क्या इन लोगों का, नया नया जानना स्टार्ट किया होगा, बोल कि उससे डबल एज का हूं मैं, बहुत पहले से ये सब करके थक गया हूं मैं भी, ठीक है तो मुझे नया पता नहीं चलेगा, पुराने जमाने के टीचर है नहीं हम लोग, पैदा नहीं हुआ था तभी तू, जब से मैं ये सब कर रहा हूं गधा। चल करिए क्वेश्चन,
Sir, answer log 1 by n base a. सर स्क्रीन चला गया हाँ हाँ मैं थोड़ा काम से चला गया था बोलो क्या बोले थे सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा बोलो हाँ हाँ ये लो सर आंसर लॉग वन बाय एन बेस ए ओके ठीक है और कोई हाँ सर वही आया ठीक है क्या मैं बता दूँ या किसी और को थोड़ा और करना है देख वन माइनस वन बाय टू हो जाएगा चल ठीक है कर ले जल्दी कर हो गया अभी अब बताऊं या अभी और टाइम चाहिए बता दे सर माइनस लॉग ए एन है मुझे लग रहा है तू माइनस लॉग एन बोल रहा है क्या क्या बोल रहा है माइनस लॉग ए एन लॉग एन बेस ए पढ़ेंगे उसे ओके आगे से ध्यान रखना अगर आपका आंसर ये आ रहा है ना एन इधर ए तू बोल रहा है उसको लॉग एन बेस ए पढ़ेंगे ठीक है ध्यान रखना yes, sir. प्लस लॉग इसे क्या लिख सकता हूँ एन माइनस वन बाय एन टू द बेस ए इक्वल्स टू लॉग ये सब ऐड हो रहा है लॉग तो नंबर्स क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे थ्री बाय फोर और ये मल्टीप्लाई होके एन माइनस वन बाय एन बेस ए थ्री थ्री फोर फोर सारे कैंसिल होते जाएंगे एन माइनस वन तक कैंसिल हो जाएंगे इधर वन बाय एन टू द बेस ए यही आंसर छोड़ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर 1 by n को तू n raise to minus 1 लिख सकता है ये भी लिख सकते हो दोनों ही चलेगा ठीक है चलो नोट डाउन कर लो जिससे नहीं हुआ था जल्दी करो फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ अच्छा सा हो गया यस सर हाँ
हाँ सर यस सर ओके डन चलो एक और एग्जांपल करते हैं 8 raised to log cube root of 121 plus 1 by 3 इसका base 2 था इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ सर 1 2 3 हाँ बोलो 1 2 1 2 3 1 2 3 ठीक है 1 2 3 एक बार फिर से चेक कर ले एक बार चेक कर लो सर 2 4 2 हाँ अभी सही है 2 4 2 और लोगों को करना है या फिर बताओ जल्दी बोलो बाकी लोग क्या चाहिए बताइए करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं केतन करने वाला है क्या तो मेरा तो 4096 आ गया अच्छा आ चुका है आपका आंसर ठीक है देखो मैंने क्या किया अब a raise to m plus n तो बचपन में इसके बारे में पढ़ा होगा आपने a raise to m into a raise to n हो जाता है तो वही 8 raise to power log का कुछ था plus 1 by 3 था अलग अलग कर दिया मैंने है ना आपको ये सिखाया था कि इन दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है नहीं है ये रेस टू लॉग 8 बेस इनटू 8 का क्यूब होता है 121 तो 121 रेस टू 1 बाय 3 हो जाएगा इनटू लॉग 8 बेस 2 को आप लॉग बेस 2 इनटू 2 रेस टू 1 बाय 3 इनटू इधर 3 आ जाएगा और log 2 बेस 2 1 सर जो आप स्टेप लिख रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा कौन सा स्टेप नहीं समझा बताओ अभी जो आपने लिखे लास्ट के दो लास्ट के दो चल फिर से लिखता हूं देख मैंने क्या किया क्यूब रूट ऑफ ए क्या इसे ए रेस टू 1 बाय 3 लिख सकते हैं तू ही बता लिख सकते हैं क्या यस सर
इसे 121 रेस टू 1 बाय 3 लिख दिया। लॉग 8 बेस 2 है तो 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं। हाँ सर समझा, समझ लगा वो नीचे लॉग बेस। हाँ सर समझ गया समझ। इसलिए लिखना भी ढंग से होता है, कोई बात नहीं। इनटू 3 इधर आ जाएगा और लॉग 2 बेस 2 इनटू 2 यहाँ पे नीचे है। 3 कैंसिल हुआ, लॉग 2 बेस 2 1 होता है तो 121 इनटू 2 क्या होगा 242 आंसर। कॉपी कर लीजिए जल्दी सर। अगर हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व कर ले तो हाँ चलेगा, तो उसे मेरा अलग आंसर आ रहा है। चल मैं उससे भी करके दिखाता हूँ, उठ जा। तुझे ब्रैकेट्स पहले करना है तो क्या करता हूँ, 8 रेस टू लॉग 121 रेस टू 1/3 लिख सकते हैं, बेस 2 प्लस 1/3, ज्यादा से ज्यादा ये किया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं, 8 रेस टू 1/3 इधर आ सकता है लॉग 121। मैंने 121 का 11 स्क्वायर कर दिया फिर ये अच्छा चलेगा, वो भी कर सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे भाई। तो यहाँ 2 करके 11 कर दो तो चलेगा ना, समझ गया ना, तूने भी ये किया होगा। हाँ सर। बट इसके बाद तू फंस जाएगा, फिर क्या करेगा बता। मैंने 1/3 क्यों लिखा था पता है, मैंने 1/3 टू द पावर 11 नहीं, 11 टू द पावर। हाँ सर समझो समझो सर, फिर उसके आगे 2 टू द 2 अपॉन 3 आएगा, 2 टू द पावर 11 होगा सर, लेकिन उसके आगे फिर 1/3 लिखा ना वहां पे, तो 2 अपॉन 3 आ जाएगा। लेकिन 1/3 अगर तू लिखेगा, 1/3 अगर लिखेगा ना तो फिर कुछ तो किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बताओ, बताता हूं। कॉमन निकालेंगे, ये 8 रेस टू 1/3 एक साथ ले लेता हूं, इधर लॉग 121 बेस 2 कॉमन निकाल लिया मैंने 1/3, 1 को लॉग 2 बेस 2 लिख सकते हैं। 8 रेस टू 1/3 2 होता है, 2 रेस टू लॉग ये 121 इनटू 2 बेस 2 हो जाएगा, तो 2 रेस टू लॉग 242 बेस 2 हो जाएगा। फिर 242 एंड 2 को इंटरचेंज कर सकते हैं, 242 समझा अभी? Yes, sir. इससे भी कर सकते हैं, बट इतना क्यों करो? Simply इन दोनों को ऐसे करो जैसे मैंने फर्स्ट मेथड से किया था, खत्म, लिख लो। सर कौन आवाज कर रहे हैं? हाँ बोलो सर, ये आवाज किसका है बोलो। अरे यार क्या बताऊं, एक बहुत आगे मेरे घर के ना एक जंगल है, उसमें ना एक आदमी गाय है या तो भैंस, दोनों में से कुछ है, गाय है शायद, उसको बांध के रखता है, और वो अभी नया नया इधर लाया है, तो जब से आया है इतना ज्यादा वो चिल्ला रहा है, पता नहीं क्या सीन है उसका, रात को नींद तक नहीं होने देता है। देख सोच, पता नहीं क्या क्यों कह रहे थे आप, जंगल में मतलब गांव है ना, एक विलेज है, मैं भी लॉकडाउन में इधर आ गया था इसीलिए। और कोई सवाल? बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, 2 मिनट नोट कर रहे हैं। इतना क्यों चिल्लाना है? बहुत 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 डिस्टर्ब करता है। लेक्चर तो फिर भी जाने दे, तू लोग तो अभी सुनेगा, मैं दिन भर सुनता हूँ रात को भी। हो गया? हाँ सर। यस सर। यस सर। चल एक और एग्जांपल करते हैं। ये तू लोग बता देगा अच्छे से करना, 2 रेस टू 3 माइनस लॉग 3 बेस 2 जल्दी बता दे इसका आंसर क्या होगा।
तू लोग कम डिस्टर्ब होगा फिर। सर 8/3 सही है। चलो एक और क्वेश्चन कर ले, बहुत सिंपल सा है। लॉग 2 प्लस रूट 3 बेस 2 माइनस रूट 3। हाँ सर माइनस वन आता है। लॉग म्यूट ठीक है। वन बाय लोग प्रॉब्लम ना हो तो बोल। नीचे भी 2 माइनस माइनस 1 ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लिख लिया जिससे नहीं हो दो मिनट लिखना है। फॉर एग्जांपल जल्दी कर हो गया सर। हो गया
हाँ सर, log m plus 1 by 4 log n minus 5 by 3 log p. चलेगा चलेगा, मैं समझ गया था आपने. गुड, ओके. log n 1 by 4 log n minus 1 by 3 log p. 1 by 3? एक नंबर, गुड. 5 by 3 होगा ना, 1 by 3 नहीं होगा. n raised to 1 by 4. p raised to 5 by 3 सीधा ही कर दूं क्या? क्योंकि 5 भी है, फिर 1 by 3 भी आएगा. कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? बोलो. No, sir. 1 by 4 log n minus 5 by 3 log p. चल छाप ले जिससे नहीं हुआ था. हो गया. हाँ मानू, हेलो. आज आ रही है? हाँ सर. लिख लिया ये, और एग्जांपल करते हैं. ये भी तू लोग आराम से बता देगा. log 4 base 3 into log 5 base 4 into log 6 base 5 into log 7 base 6 into log 8 base 7. हुआ किसी का? अरे बताओ, या कोई आंसर बताएगा मुझे? वन वन. चल ठीक है, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया. देख, टू टू. तेरा क्या नाम है जिसने आंसर दिया, बता ना. तो श्याम आंसर टू है. बोलेगा नहीं. आंसर टू है. ठीक है, देख मैंने क्या किया.
इसे चेंज कर दिया बेस 10 में। अगर कुछ नहीं लिखा होता है ना, अगर कभी आपको कुछ बेस ना दिखे, तो कुछ बेस ना दिखे तो समझ जाओ कि बेस 10 है, 10 है उसका बेस। ठीक है, दो टाइप के लॉग होते हैं। चलो मैं लगे हाथों ये बात भी बता देता हूँ। एक होता है वैसे तो लॉग का बेस कुछ भी हो सकता है, बट बेस पे डिफाइंड दो टाइप के स्पेशल टाइप के लॉग होते हैं। एक होता है कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग होता है अगर बेस ई हो, ई एक लाइक पाई जैसा इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 2.71 के अराउंड होता है। ठीक है, ऐसे डिफाइन किया जाता है इसको। इसको हम लोग ln n भी पढ़ते हैं कभी आपको, इसलिए ln दिखे ना तो समझ जाना ये भी लॉग है, इससे डरना मत। समझ जाना ये भी लॉग है जिसका बेस क्या है, ई। इसका बेस क्या है, ई है। समझ रहे हो बात को? अरे बोलो। हाँ सर। यस सर। और अगर लॉग एन बेस कुछ भी ना दिखे तो समझ जाना कि बेस क्या है, 10 है। इसको कॉमन लॉग बोलते हैं। डन, चाहो तो ये कॉपी कर लो। हो गया? यस सर। नो सर। नहीं हुआ था? किसी ने नो सर बोला या यस सर बोला? सर नो सर। अच्छा ये ले, ये ले, जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख। इसका आंसर 1/2 है क्या? टू आएगा ना सर? आपका आवाज कट रहा है। हाँ सर। हाँ सर, आपका आवाज बहुत लैग भी हो रहा है। हेलो 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 1-2-4 नहीं सर, नहीं सर, लैग हो रहा है सर, वीडियो भी लैग हो रहा है, बहुत ब्रेक हो रहा है सर। सर हो गया लिख। अभी ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब चलिए वाला क्वेश्चन कर। देख अब क्या लिख दूंगा, 8/log 7 लिख सकता हूँ, इनटू log 9/log 8 लिख सकता हूँ। मतलब बेस मैंने 10 के में कन्वर्ट कर दिया। तेरा मन करेगा तो कुछ भी कर सकता है, log बेस 7 में कन्वर्ट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं लिखा, क्या फर्क पड़ता है? मतलब बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया सबको, ये log 4 log 5 log 5 log 6 log 6 log 7 log 7 log 8 log 8, सो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? log 9/log 3। इसको क्या लिख सकते हैं? log 9/3। 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3² / 3। 2 इधर आया, log 3/3 = 1। 2 आया समझ में? Yes sir। कॉपी कर ले। हाँ बोलना, कुछ बोलना है किसी को? नहीं, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल करो। हाँ सर, आवाज अटक रही है। हाँ आ जाना।
हाँ हाँ घर पे आ जाओ। ओके ओके हाँ क्या बोल रहे थे तुम लोग? फाइंड द वैल्यू ऑफ, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। इसका वैल्यू क्या होने वाला है बता सर? वन वन सोच ले सर। जीरो जीरो सर। हाँ जीरो सही है। वन तू सोच एक बार, वन क्यों होगा, जीरो होगा ना, है कि नहीं? हाँ सर। देखिए क्या हो जाएगा, log tan 1 degree into tan 2 degree into tan 3 degree into tan 4 degree till tan, अरे यार मैंने यह गलत लिख दिया था, चलो फिर भी तुम लोगों ने आंसर सही दे दिया। यहाँ tan 89 degree होगा ना, to tan 89 degree। अब ये तो बचपन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अगर नहीं पढ़ा था तो मैं अभी बता देता हूं कि इसका वैल्यू 1 होता है। कैसे? तो tan 1, tan 2, tan 3, ऐसे करते करते हम लोग tan 43 into tan 44 into tan 45 के बाद जो 46 होगा क्या उसे cot 44 लिख सकता हूं? tan 46 को cot 44 लिखा जा सकता है क्या? तू बता, लिख सकते हैं ना? यस सर। फिर cot 43, cot 42, ऐसे बढ़ते बढ़ते cot 1 तक आ जाएंगे। तो cot 1 into tan 1, 1 हो गया। cot 2 tan 2, 1 हो गया। cot 3 tan 3, 1 हो गया। cot 42 tan 42, 1 हो गया। cot 43 tan 43, 1 हो गया। cot 44 tan 4, सारे कैंसिल होके 1 हो गए। और tan 45 अकेला बचा, उसका वैल्यू भी तो 1 ही होता है। तो फाइनली वैल्यू क्या, और 1 का log बेस कुछ नहीं है तो 10 है, क्या हो जाएगा? 0। समझा भी? हाँ सर। चलिए जिससे नहीं हुआ तो कॉपी कर लीजिए जल्दी। सर आपकी बैटरी डाउन होने वाली है। अरे यार चलना, थोड़ी देर चलेगा ना, 5 मिनट चलेगा, लाइट नहीं है, कैसे चार्ज करो? चलेगा अभी, चलेगा। जल्दी कॉपी कर दो, एक दो और एग्जांपल कर लेंगे हम लोग। कर लिया सर। नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी तुम सब लोगों से होना चाहिए, ठीक ठाक क्वेश्चन है, अगर सबने कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा लॉग अच्छे से आ गया। x इज लॉग 1 प्लस लॉग बी सी बेस ए, y इज 1 प्लस लॉग सी ए बेस बी, z इज 1 प्लस लॉग ए बी बेस सी। Show that x y z is x y plus y z plus z x.
देखो ये मैं जल्दी बता देता हूँ, 1% बैटरी आ गया ये वाला, वैसे टाइम भी लगभग हो ही गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल मैं बताता हूँ, देख इधर, बंद हो जाएगा तो समझ जाना क्यों बंद हुआ, ठीक है। X is, आवाज आ रही है सबको? हाँ सर, यस सर। वन को log a बेस a लिख सकता हूँ प्लस log, और अभी बंद हो जाएगा तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। Y is, वैसे भी लगभग टाइम हो ही गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, log b बेस b प्लस log c a बेस b, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, z is log c बेस c प्लस log a b बेस c। तो फाइनली ये क्या हो गया, log a b c बेस a, x is, y is log abc base b, ये खत्म हो गया। हां नया बैटरी लग गया। या नहीं है, सर।